काबा के पास है पुराना जालौन था मान है जालौन हेडक्वार्टर हो रही माता लक्ष्मी भाई शुभम भाई उमा शंकर भाई राधा बहन ये यहाँ पर इसको कहाँ कर आज की साइन क्यों नहीं करे कम से कम पांच आत्माएं तो करना कोई बड़ी बात नहीं है क्लास में दो तीन तो अपने घर के ही हो जाते हैं तो घर के पांच हैं घर के पांच हैं हाँ तो फिर कुंती और द्रौपदी कहाँ जाएंगी हैं जहाज वाले बाबा डिग्री को नहीं आ पाते वो उनके लिए छूट है जो दूर वाले हैं वो साइकिल दबा के सात दिन में एक बार आ जाए तीन दिन में एक बार आ जाए गुरुवार को भी आ जाए उनके लिए वो ही रेगुलरिटी है जो स्टूडेंट रेगुलर होते हैं और पंक्चुअल होते हैं उनसे टीचर खुश रहता है और टीचर क्लास में पहले आ जाए और आने वाले स्टूडेंट बाद में आए तो टीचर का डिसरिगार्ड होता है ऐसे मुस्लिम बोला है और डिसरिगार्ड का पाप की चढ़ता है तो पंक्चुअल और दूसरे रेगुलर रेगुलर माने रोज क्लास में आना और पंक्चुअल माने समय टाइम पर क्लास में पूछना करना हो अब ब्रह्मा कुमारियों से झड़पट तो हो गई नई नई प्रश्न भी पूछते होंगे बाबा उस समय लखनऊ में भी बोला था कदम कदम पर श्रीमत से तो बाबा इस समय से जब बात करनी होती है तो बाबा से साकार में फोन से बात नहीं हो पाती बाबा ने मुझे बोला है हर समस्या का समाधान रोज की मुरली से मिल सकता है बड़े भाव से बड़े प्यार से रोज सवेरे को मुरली पढ़ो उसमें कल की जो समस्याएं हुई है वो आज उन समस्याओं का मुरली में क्लैरिफिकेशन लाखों करोड़ों की तादाद में गीता पाठशालाएं खुल जाएंगी सेंटर्स खुल जाएंगे करोड़ों की तादाद में मुरलियां छपने लग पड़ेंगी बुलाए मुरली में तो डायरेक्ट कनेक्शन लगातार कैसे होगा और ये मोबाइल वोबाइल तो रहेंगे नहीं फोन का कनेक्शन रहेगा क्या फिर बस बाना कह रहे थे कि आधी में ट्रेन चली थी जैसे तो अंत में क्या चलेगा क्या सारे बच्चे माउंट आउट जाएंगे या उस ग्रे लाइट पत्र जाएंगे ट्रेन का ऊपर उड़ जाएगी क्या क्या चलेगी इतने बच्चे ट्रेन अब बढ़ नहीं गई बड़ी नहीं हो गई ट्रेन पहले एक दो डब्बा जाता था ट्रेन का और अब बहुत हो गए तो 15-15, 20-20, 50-50 सब भी एक साथ जाते हैं गीता पाठ सब के मंदिर बने हुए हैं तो ये बोलते हैं कि उनका क्या होगा मंदिर बने हुए हैं गीता पाठ खुली हुई है ना तो उनका वो भी क्या ऐसे विनाश के उसमें काल में चली जाएंगे विनाश होगा तो बुलानी नहीं होगी पहले ब्राह्मणों की दुनिया में विनाश होगा बाहर की दुनिया में होगा ब्राह्मणों की दुनिया में जब विनाश होगा तो दुनिया में ग्लानी नहीं उड़ेगी उनकी जब प्रत्यक्ष नहीं होगा कलंक नहीं लगेंगे तो दुनिया कलंक लगाएगी छोटे उन पर गोबर मारेगी तब क्या करोगे गांव में और शहर में रहने देगी भगवान के पीछे जो दीवाने बनते हैं उनकी सख्त परीक्षा भी होती है
कि देखे कहाँ तक पक्का निश्चय है। देखो बाबा अभी कुछ अभी कुछ नहीं है, अभी तो परसेंटेज नहीं है। हाँ वो पहले रचयिता की पहले रचना है, पहले रचयिता होता है कि पहले रचना, पहले पहले अंडा की पहले मुर्गी। अंडा में से मुर्गी निकले क्यों, अंडे के अंदर मुर्गी नहीं है तो गरी है। हाँ ये जो जैसे हम लोग ये सृष्टि बनाई गई है, सृष्टि बनाई गई कब बनाई गई, किन्ने बनाई, ये अनाज ही बना बनाया जैसे बनी, अनाज बनी बनाई तो बनाई तो गई नहीं, ऐसा रंग बात हो जाती है। सृष्टि बनाई गई सृष्टि तो पांच तत्वों का संघात है, पांच तत्व कभी बनाए नहीं जाते हैं, वो तो सदैव है ही है। हाँ रूप बदलते हैं, ना आत्माएं कभी बनाई जाती है, न सृष्टि कभी बनाई जाती है, न पांच तत्व कभी बनाए जाते हैं, तो ये बात अनाज है और अनादिकाल तक ऐसे ही रहेंगे। एको हम अनेक को जाना, ये बात राम क्या, जैसे मैं एक हूँ अनेक की रचना की तो मुझे जानने वाले हुए, ये तो भक्ति मार्ग की बात है। आत्माओं की कहीं रचना होती है, आत्माए तो अनाज है अविनाशी है, उनकी रचना थोड़ी होती है। ड्रामा भी, ड्रामा भी अनाज अविनाशी है। बाबा जैसे गीता पाठशाला में जब गीता पाठशाला खुल जाता है ना, तो उसमें जो भक्ति करके आते हैं उसी का नाम लिख सकते हैं रजिस्टर में कि जो रेगुलर क्लास कर रहे हैं बेसिक में से, है ना, हाजिरी देने वाले वो अपना अपना नाम लिखे और क्या करे, नहीं नहीं कोई भी आ सकते हैं क्लास में, गीता पाठशाला में कोई भी क्लास करने आ सकते हैं, उनके साइन लेने, पहली बार आते हैं तो पूरा एड्रेस लिखाना है, और बाकी रोज आते हैं तो उनका अपने साइन करो अपने हाथ से। बाबा जैसे कहीं बी के लिखे, कहीं सी बी के लिखे, कहीं नाम लिखा, जो भर्ती कर ले तो सी बी के लिखे, और जो भर्ती नहीं करे वो बेसिक अपने बी के लिखते रहे, और जो बेसिक से भी नहीं निकले हैं, मान लो भर्ती नहीं किया तो है? बेसिक से भी नहीं निकले हैं प्लस है। यहाँ आकर कितना तो जान ही जाते हैं, आत्मा का कार्य चल रहा है, तो भर्ती करने के बाद लिखूं वो तो पीवी के तो बाबा आपको पहचान है तब बाप का नाम लिखे। नहीं बाबा ने नेपाल में तो ने क्लियर किया था कि अगर सात महीना अगर कोई भी भाई बहन रेगुलर क्लास करते हैं पूरा निश्चय बुद्धि होने के बाद बच्चा बनता है, वो जो भी आत्मा बाप का बच्चा बनेगी उस आत्मा को सभी छोड़ने के बाद बाप के घर में जन्म लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, बाप के घर में जाना पड़ेगा, माँ भर्ती करनी पड़ेगी, आत्मा बाप के घर में जाकर के जन्म ही न ले और बाप के बरसे का हकदार बन जाए, ये क्या बात है। वहाँ भी नौ महीने पकती है और यहाँ भी नौ दिन की बात है, एक दिन आना एक दिन जाना, जाने आने के टाइम पर भी बुद्धि में ज्ञान ही ज्ञान चलता है, और सात दिन वहाँ बच्ची बहुत कहा सात दिन होता है, एक दिन जाते हैं एक दिन आते हैं पांच दिन रहते हैं वहाँ, तो सात दिन में आने जाने का जो दिन है जिसमें वहाँ निश्चय पत्र लिखाया जाता है, जहाँ जाने का प्रोग्राम होता है वो भी तो विशेष बात है, फाउंडेशन है। बाबा जैसे भट्टी में ले जाते हैं भाइयों को बहनों को कोई, तो उस समय तो निश्चय दे देते कि नहीं हम पवित्रता धारण कर रहे हैं, धारणा पे चल रहे हैं, और फिर भट्टी करने के बाद यदि अपवित होते हैं तो उस पर दुष्पर पड़ेगा ले जाने वाले पे भी। वो जितना पवित्रता का पालन करने का पुरुषार्थ करेगा उतना राजकुल में आवेगा, पुरुषार्थ ही नहीं किया तो नहीं आवेगा, दो सौ दिन पड़ेगा, एक दो चार आठ दिन सप्ताह भर भी पवित्र रहा तो उसको मिलेगा, ये तो राजयोग है, राजयोग से राजाई कुल की स्थापना हो रही है, राजाई कुल छोटा मोटा थोड़ा ही है, ये तो बेहद का परिवार है, 16108 का कम बात है क्या, कोई प्रिंस प्रिंस बन के रह जाएंगे, प्रिंस के रूप में पैदा हुए थोड़े समय की प्राप्ति की बस, राजा नहीं बने, युवराज भी नहीं बने, छोटे भाई बन गए, तो युवराज कहाँ बने, छोटी बहन बन गए,
बाबा सतयुग में सांकेतिक भाषा क्या होगी, सांकेतिक होगी कि हिंदी होगी, क्या होगी? बाबा भाषा बोलने की दरकार होगी? अभी भी कभी कभी अनुभव करते हैं कि हम दूर बैठे हैं और कोई की है वाइब्रेशन हमारे पास आ जाते हैं, कहते देखो उस दिन हमने भी ऐसा सोचा था, कहते हाँ हमने भी सोचा था इसलिए हम तुम्हारे पास आ गए। ऐसे भी अनुभव करते हैं कि बाबा को जब आना होता है तो दो चार दिन पहले से ही उनको संकल्प आने लगते हैं, कहते हैं बाबा आने वाले हैं, और जब आते हैं तो कहते अरे पहले का मतलब संकल्प ऐसे नहीं करते थे, ये दो तीन दिन पहले ही क्यों संकल्प आने लगे? चार दिन से किया तो बाबा से बात कर रहे हैं, दिल से दिल को राहत होती है लेकिन सच्चा दिल होना चाहिए, तो सबके सच्चे ही दिल होंगे, झूठे दिल होंगे, तो वहाँ भाषा की ज्यादा जरूरत नहीं है, थोड़ा सा आँख का इशारा किया और बस चल पड़े, ये नहीं कि यहाँ चलो। ये 10 साल फाउंडेशन का, 30 साल ब्रह्मा का पाठ, 30 साल शंकर का पाठ और 30 साल विष्णु का पाठ, तो इस हिसाब से शंकर का पाठ तो 2008 तक मतलब हुआ, 7-8 हुआ। ब्रह्मा का पाठ कितना हुआ? 30 साल का। 30 साल उसके बाद खत्म हो गया? नहीं, ब्रह्मा नहीं है, चली रहा है, चली रहा है। ब्रह्मा का पाठ स्थापना की कार्य में अंत तक अनुदा हुआ है, शंकर का पाठ भी ऐसे ही, शंकर का पाठ भी स्थापना की कार्य में अंत तक अनुदा हुआ है, विष्णु का पाठ भी स्थापना पालना विनाश के कार्य में अंत तक अनुदा हुआ है, ये तीनों मूर्तियाँ कब तक कार्य करेंगी? जब तक पूरी स्थापना न हो जाए। 9,16,108 आत्माओं की जब तक पूरी पढ़ाई न हो जाए तब तक ये संगम युग चलता ही रहेगा। ब्रह्मा का तो अव्यक्त रूप में अभी चल रहा है। हाँ, ये कह रहे शंकर का पाठ फिर कैसे? किसन 68 के पहले दो मूर्तियाँ किसी की बुद्धि में नहीं, 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 नहीं। कौन सी दो मूर्तियाँ? विष्णु और शंकर। कौन है इस धरती पर पाठधारी? ब्रह्मा की मूर्ति बुद्धि में थी, लेकिन वो भी झूठी थी या सच्ची थी? झूठी थी। आदि आदि ब्रह्मा ने था, आदि ब्रह्मा, आदि में गीता माता जो आदि ब्रह्मा, तो वो बुद्धि में नहीं था ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जो टेम्पररी था वो बुद्धि में था उसे? हाँ जी, हाँ जी। तो शंकर का पाठ क्या आज के बाद जैसे सभी का है कि बाबा का ऐसा क्या पाठ हो जाएगा, क्या ऐसे नहीं मिलेंगे, क्या क्या ऐसे क्लास मुरली नहीं चलेगी, क्या ब्रह्मा का अगर पाठ तो शंकर का पाठ ऐसा ना हो जाए, क्या उसमें भर्ती कैसी होगी, क्या होगा? 2000 के आस पास से अव्यक्त वाणी में बोला ना, दुनिया वालों के सामने बाप गुप्त हो गए और बच्चों के सामने प्रत्यक्ष हो गए, आगे चल करके अभी तो ब्रह्म कुमारियों से ही झगड़ा है, कब तक चलता रहेगा? कुमारियों से ही झगड़ा है, झगड़ा कब तक चलेगा बाबा? और आगे चल करके ये ब्रह्मा कुमारियाँ मिल जाएंगी एडवांस पार्टी के बड़े बड़े धर्म गुरुओं से। क्या एडवांस पार्टी के अंदर भी तो विरूप आत्माओं बड़े बड़े धर्म गुरु बैठे हुए हैं, और वो विरोधी होकर के ब्रह्मा कुमारियों से मिलते जा मिलेंगे, क्या मिल रहे हैं, मिल चुके हैं, मिल रहे हैं, वो मिल करके वहाँ एक हो जाएंगे, उनका गुट सारा मिल करके उनके साथ एक हो जाएगा। एडवांस पार्टी में सब क्या ग्रुप है उस पर हमला करेगा, कर वो दोनों मिलकर कर भी रहा है, और ब्रह्मा कुमारियाँ बाहर के दुनिया के गुरुओं से मिलकर के एक हो रही है, हो रही कि नहीं? हद के, हद के जो बाहर की दुनिया के जो गुरु है जिनका बहुत दुनिया मान मतलब बापू वगैरह वगैरह, हाँ, तो जब बड़े बड़े दुनिया के उन गुरुओं के साथ ब्रह्मा कुमारियाँ मिलकर के एक हो जाए और एडवांस पार्टी के लोग ब्रह्मा कुमारियों से मिलकर एक हो जाए, धर्म गुरुओं से मिलकर के हो जाए, और छोटा सा ग्रुप रह गया सूर्यवंशियों का, एडवांस में से भी एडवांस में सूर्यवंशियों का ग्रुप रह गया, और सूर्यवंशियों में भी वो ग्रुप रह गया जो चंद्रवंशी अपने को सरेंडर कर देते हैं, किसके सामने? सूर्यवंशियों के सामने, विजय माला से यानी बीके में से भी कोई निकलेंगे ना, रानी मक्खी निकलती है तो उसके पीछे पीछे झाड़ जाता है, तो वो जो आत्माएं निकलेंगी
और इधर है जो एडवांस क्वालिटी की फ्रीक्वेंसी है, तो वो तो दुनिया के मुकाबले मुट्ठी भर रह गए ना, ये थोड़े से और वो ढेर के ढेर करोड़ों की तादाद में, तो बड़ा भारी रिवोल्यूशन मिल जाएगा इनके साथ भगवान, और उनके साथ भगवान नहीं होगा, इसलिए उनकी हार होती जाएगी और इनकी मुठ भरों की जीत होती जाएगी, पांच पांडवों की, और अभी भी हो रही है। 75 के बाद प्रत्यक्ष हुआ, एडवांस पार्टी प्रत्यक्ष हुई तो लगातार जीत हो रही है या हार हो रही है? जीत ही हो रही है। अभी छोटा रिवोल्यूशन है, ब्राह्मणों की दुनिया तक ही सीमित है, ब्राह्मणों की दुनिया में भी उन तक सीमित है जिन्होंने जानकारी ले ली है कि ब्रह्मा कुमारियां क्या है और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारियां क्या है, उन तक सीमित है। आगे चल के सारी दुनिया जानेगी तो कितना भारी अपोजिशन हो जाएगा। ये दुनिया के जो बाहरी दुनिया के बड़े बड़े धर्म गुरु हैं, लाखों लाख का मजमा लगा के बैठते हैं, और दुनिया के जो बड़े बड़े देशों के धर्म नेता है, वो राज्य नेताएं हैं जिनके हाथ में कितनी बड़ी बड़ी पावर है। अमेरिका का जो प्रेसिडेंट होता है उसके हाथ में कितनी पावर है, चाहे तो किसी भी देश को तहस नहस कर दे, एक सेकंड नहीं लगेगा, पूरे देश का देश चौपट कर दे। इतने बड़े बड़े धर्म नेता हैं, राज्य नेता हैं, और ये सब मिलकर के ब्रह्मा कुमारियों की तरफ हो जाए और अपोजिशन करे तो क्या हालत होगी? परम धाम जाने की सेवा और कोई रास्ता रह जाएगा? कोई रास्ता नहीं रहेगा। बाबा जिस के आने से शक्ति की तपासला चल रही है बाबा, युगल दोनों ज्ञान में चल रहे हैं, उसके बच्चे वगैरह कुछ नहीं चल रहे हैं, नहीं चल रहे तो कोई अर्जा नहीं, बच्चे ही तो है, शादी तो नहीं की अभी, नहीं शादी नहीं, शादी नहीं की तो कोई बात नहीं, तो मतलब तो है बच्चे, हाँ बाहर की लड़की को घर में तो ला के नहीं डालते हैं, नहीं ठीक है तो कोई बात नहीं, और जैसे हो सके करना पड़ेगा, बच्ची है शादी नहीं की है, ज्ञान में नहीं चल रही है तो पवित्र, बाहर की दुनिया में तो नहीं, गंदी दुनिया में तो नहीं भागती, और यदि बच्चा है तो वो शादी कर रहा है तो शादी कर ले, घर में से निकालो बाहर नहीं तो गीता पाठशाला बंद करो। अरे लक्ष्मीनारायण का मंदिर बनाना है या बराती करनी है? लक्ष्मीनारायण का मंदिर बनाना है तो वहाँ पवित्र वातावरण रखने चाहिए, वही गंध होती रहे और वही लक्ष्मीनारायण के मंदिर में पूजा होती रहे, और क्या स्वर्ग बनेगा या नरक बनेगा? कन्या हमारी भक्ति करने के बाद में स्कूल जाना नहीं चाहती है, पढ़ना नहीं चाहती है, कॉलेज जाना नहीं चाहती है, तो मुरली में क्या बोला है? तो मुरली में क्या बोला है? कन्याओं को बाहर की दुनिया में नहीं, मुरली में बोला है डागली पढ़ाई और गॉडली पढ़ाई, कन्याओं को गॉडली पढ़ाई पढ़ाना अच्छा है या डागली पढ़ाई पढ़ाना अच्छा है? जब तक छोटे बच्चे हैं उसका पांच तक ठीक है, उसके बाद अगर पढ़ाई बढ़ाते हैं तो सीमत की बरखिलाफी करते हैं और उसकी अवस्था नीचे गिरेगी पढ़ाने वालों की। हमारे ज्ञाती माता पिता भी समझते हैं कि भट्टी करने के बाद भी, वो भट्टी कर चुके हैं उनके माता पिता, कन्याएं नहीं पढ़ना चाहती हैं, वो जबरदस्ती करते हैं, तो क्या ऐसा कैसे होगा? यहाँ भी तो बैठे होंगे, सीधा पकड़ रही है। बाबा के मुख से सुनेंगे तो अच्छा होगा ना, और कोई सलाह नहीं होती तो मुरली कहाँ से आती है? बाबा के मुख से ही आई है, फिर मुरली सुनने के बाद भी तो हो रहा है ना, उसका अंजाम कौन भुगतेगा? जो तोड़ने के लिए कह रहे हैं, तोड़ने के लिए कह रहे हैं, अंजाम भुगतेगा कौन? नहीं तो बाबा वो बच्ची हमारी भी बात कर रही है ये। अरे और भी होंगे, आप ब्राह्मण परिवार में ढेर ऐसे जिनकी बच्चियाँ नहीं पढ़ना चाहती हैं। चार महीने रह गए इंटर की परीक्षा के, तो हमने कहा परीक्षा दे लो, जब इतना आपने फायदा क्या होगा?
नहीं हमें बताओ उससे चार महीने के बाद अगर परीक्षा भी दे ली पास भी हो गई फर्स्ट क्लास पास हो गई तो कैसा नहीं हो जाए फर्स्ट क्लास पास हो गई तो फायदा क्या होगा तो क्या करें बताओ एक तरफ फर्स्ट क्लास पास हो गई और कहीं लव मैरिज कर ली तो आप बताए ना हम तो हम क्या बताएं जिस इस बार बाबा ने मुरली में कह दिया ना बसता हो गया वही बताएंगे दूसरी बार डोगरी बुलाई है जो मुरली वो बोला वही तो बताएंगे जी बस बताएंगे कुमारों के लिए जैसे कुमार है अब ये पढ़ना नहीं चाहते हैं मान लो भट्टी की बात तो इनके ऊपर भी जबरदस्त कुमार वो तो अपने पेट के लिए अपने ऊपर निर्भर रहना है अगर अपने पेट की कमाई भी नहीं कर सकते तो ये राजा क्या बनेंगे राजा तो स्वाधीन होता है कि पराधीन होता है अच्छी कमाई करते हैं कमाई भी करें पढ़ाई भी करें ज्यादा से ज्यादा कमाई करें ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करें सेवा भी करें वो 8 घंटा सेवा करेंगे तो उनका उतना ही बनेगा जितनी कन्याएं सरेंडर होकर के 16 घंटा सेवा करेंगी राहुल कुमार करते हैं ना तो 8 घंटे सेवा करेंगे उसमें एक भी सेवा में तो फिर समय नहीं मिल पाता होगा क्यों 16 घंटा और बचे ना खाना पीना सोना खाना पीना सोना घर वाले खाना बनाते हैं नहीं घर वाले तो बाहर से बाहर रहते हैं कुमार रहे हैं तो अलग से रहते हैं तो क्या है आज कुकर चल गया है 1 घंटे में खाना बनाना खाना और कुकर से दोनों हो जाता है 10 मिनट में खाना बनता है कुकर में बातें बनाना बहुत आता है बाबा सीढ़ी के चित्र में बोला गया है कि कलयुग के अंत में 500 करोड़ आबादी होती है और अभी तो अगर दुनिया के हिसाब से देखें तो 650 करोड़ आबादी हो चुकी है आबादी जो है वो मनुष्यों की वहाँ दिखाई गई है कि कीड़े मकोड़ों की दिखाई गई है मनुष्य किसे कहा जाता है जो मनन चिंतन मनुष्य कहा जाता है जो मनन चिंतन मंथन करे अब जो पैदा होंगे 500 करोड़ के ऊपर वो मनुष्य होंगे कि कीड़े मकोड़े होंगे आए जन्म लिया और मरे क्या उनकी जिंदगी कहीं कहीं मुरली में ये बोला गया है 700 करोड़ आबादी होती है 750 करोड़ माने 200 करोड़ ऐसे हैं जो कीड़े मकोड़े में चल रहे दुनिया में आना ना आना बराबर है 650 करोड़ आबादी अभी हो चुकी है और 750 बाबा ने बताई है जिन्होंने जिन्होंने आबादी आंकी है उनकी आबादी में गलती भी तो हो सकती है बाबा ये त्रिमूर्ति के चित्र में ब्रह्मा और शंकर बैठे हुए दिखाए गए और विष्णु खड़े हुए दिखाए गए इसका कारण विष्णु पवित्रता के पुरुषार्थ में अंत तक खड़ा रहता है कि अपवित्र भी बनता है और शंकर जी विष पीते हैं कि नहीं पीते हैं और ब्रह्मा को देवाना आता है कि नहीं आता है नहीं तो पूजा होती मंदिरों में मूर्ति बनती न पूजा होती है न मूर्ति बनती है न मंदिर बनता है बाबा बीच वाले सुनना क्यों पसंद नहीं करते आप प्यार से उनको सुनाना ही पसंद नहीं करते आप तो उनको बाहर मारना शुरू कर देते हैं प्यास के पास जाना चाहते जब हम दुनिया में थे और बेसिक नॉलेज लेना शुरू किया ब्रह्मा कुमारी आश्रम में गए तो क्या हमने लौकिक दुनिया को छोड़ दिया था लौकिक परिवार वालों को छोड़ दिया था उनसे प्यार करना छोड़ा था नहीं छोड़ा ना वो ही प्यार जो लौकिक परिवार वालों के साथ था न छोड़ने वाला वो ही प्यार यहाँ भी हो बेसिक वालों के साथ वही प्यार होना चाहिए वो भावना हो भावना तो रखते हैं भावना तो रखते हैं लेकिन उनको सुनाते कैसी कैसी है ले आड़ी एडवांस वाले कोई नहीं सुनाता पिटता भी रहे और हमारी पढ़ाई भी पढ़ता रहे वो मार मारते रहेंगे हम सुनते रहेंगे देखते रहेंगे एक परिवार में लौकिक परिवार की बात देखो बेसिक में एक लौकिक परिवार से कोई आता है कोई बच्चा और बेसिक ज्ञान लेकर के अपने परिवार में आना जाना करता है या रहता है तो अपने बाप को रिगार्ड से बात करेगा या डिसरिगार्ड से बात करेगा रिगार्ड से बात करेगा उनके मान सम्मान का ध्यान रख के बात करेगा प्यार से करेगा तो बाप सुनेगा या डिसरिगार्ड से बात करेगा तो बाप सुनेगा
शस्त्र नहीं थे, मेरे मुंह से पैदा हुआ, मेरे फैसले से मौत आई। ये अहंकार नहीं आएगा फिर। ये शंकर जी का डमरू बोले अगमनी को ये भेद को भी सुनते हैं। ब्रह्मा कुमारियों को भी आता है ये, कल तक तो हमारे से पढ़ाई पढ़ते रहे, आज हमको पढ़ाते हैं, आज आकर के हमको बड़े छसके से ज्ञान सुना रहे, जबकि ज्ञान सारा ईश्वर का दिया हुआ है। बेसिक नॉलेज भी ऊपर वाले की दी हुई है और एडवांस नॉलेज भी ऊपर वाले की दी हुई है, हमारा क्या है इसमें? ऊपर वाला कहते हैं अपने अपने घर में मन से मत मत से गीता पाठशाला खोल लिया, जैसे की बाप की हो रहा है सेंटर खोल लिया है, लेकिन बाप का नहीं है, तुम बाप का नहीं मानते, तुम धक्का देके भगा देते तो बाप का ना है, बाद में भगा, बाप का नहीं है ना, अगर बाप का होता तो तुम धक्के देके क्यों भगाते किसी को? उनके बाबा ही का नहीं है, माँ बाप कहते भी तो है, जब बीके में पहुँच जाओ ना तो कहते अपने माँ बाप के यहाँ से लाई क्या हो, कुछ तो कुछ भी तो लाई नहीं हो, कहती तो है कन्याओं से कि माँ बाप के यहाँ से कुछ लाई तो नहीं हो, लौकिक भीख मांगो, दहेज मांगो, दहेज दहेज मांगने की ये परंपरा किसने डाली बताओ? दहेज की भीख मांगने की परंपरा किसने डाली? इन्हीं गुरुओं ने डाली, लेकिन 20 एडवांस में भी है बाबा, है उनके 20 रुपए एडवांस में भी है, कौन ऐसे जो जहाँ जो कहते हैं कन्या तब सरेंडर करेंगे जब पहले 10,000-15,000 कहा गया ना कि जो सुख में एडवांस में होगा, अब जब होगा तब होगा, और जब तक बाप सामने है तब तक तो होने वाला नहीं, बाप सकाल में जाते हैं। ब्रह्मा बाबा भी जब सामने थे तब तक कोई पैसा नहीं मांगता था, ब्रह्मा बाबा ने जब शरीर छोड़ दिया साकार में तब ये दहेज लेना शुरू कर दिया। बाबा जैसे बेसिक का सेंटर खुला हुआ था तो अभी एडवांस का तो अभी ईगल के यहाँ खुल गया है, चलो आएगी तो सच्ची की तपासा लगी, तो बेसिक में जो खुला हुआ है तो उसमें बेसिक नॉलेज दे सकते हैं ना बाबा? बेसिक नॉलेज कोई अलग थोड़ी है, जो एडवांस में नॉलेज है वही तो असली बेसिक नॉलेज है। करके सुनाना चाहिए, अरे ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना, ब्राह्मण दो प्रकार के हो जाते हैं, एक रावण कुंभकर्ण मेघनाथ जैसे ब्राह्मण और एक गुरुवशिष्ठ विश्वामित्र जैसे ब्राह्मण, गुरुवशिष्ठ विश्वामित्र जैसे ब्राह्मण थोड़े होते हैं पुरुषार्थी अच्छे, और रावण कुंभकर्ण जैसे ब्राह्मण ढेर सारे हो जाते हैं। तो अभी है वो ऊपर ऊपर का ज्ञान उठाते हैं, रावण कुंभकर्ण मेघनाथ जैसे ब्राह्मण देवान ज्यादा दिखाते हैं, और गुरुवशिष्ठ विश्वामित्र ऐसे जो थोड़े से हैं वो गहराई का ज्ञान उठाते हैं, अच्छी तपस्या करते हैं, वो एडवांस पार्टी, क्योंकि अभी बेसिक का पूरा मिटाया नहीं है, जैसा का चला मतलब उस हिसाब से चला रहे हैं। बेसिक अलग है ही नहीं, एडवांस अलग है ही नहीं, ये तो इन्होंने उसका मनमानी व्याख्या कर रखी है मुरलियों की अपने स्वार्थ के अनुसार, तो बात बदल गई। बस शिव बाबा तो बेसिक वालों का भी एडवांस वालों का भी है, युद्ध की युद्ध कितना होगा, पढ़ाई को दियो युद्ध है, उन्होंने कब पढ़ाई पढ़ी, उन्होंने गहरी पढ़ाई पढ़ ली, बाबा तो दोनों का ही है ना, दोनों का दोनों का, लेकिन पढ़ाई पढ़ाई के अनुसार मर्तबा मिलेगा, ये कम पढ़ाई पढ़ने से मर्तबा मिल जाएगा। एक बाप का बच्चा है वो बाप की बात कम मानता है, दुकान कम संभालता है, दूसरे बाप का बच्चा है दुकान ज्यादा संभालता है, बाप की बात ज्यादा मानता है तो एक ही बाप का बच्चा, जो बच्चे हैं है तो एक ही बाप के, है जब एक ही बाप के बच्चे हैं तो फिर अंतर क्यों? बाप से दोनों में अंतर कुछ नहीं है, क्यों नहीं अंतर? वो बात ही नहीं मानता तो प्राप्ति क्या करेगा? ये प्यार में, प्यार में भी अंतर हो जाता है, सभी लोग बच्चों को बाप याद करते हैं, जिस सर्विस करने वाले को याद करते हैं क्या? बीके वाले ने बाबा बेसिक नाम क्यों मार दिया? बेसिक बोले प्राइमरी, अच्छा 1, 2, 3, 4, 5 प्राइमरी स्कूल का है। बाबा भक्ति करने के बाद बीके में जाते हैं तो वो लोग बात नहीं करते, बोलते ही नहीं है, तो कोई बात नहीं, बाप नाराज हो जाता है, घर में बड़े नाराज हो जाते हैं तो क्या बच्चे उनको छोड़ के चले जाते हैं? कोई बात नहीं, तो माया सबको पकड़ती है, उनको भी माया ने पकड़ लिया,
नहीं पकड़ते माया संघ को पकड़ती। बाबा ने मुरली में बोला है कि एडवांस कोई भी बच्चा अगर भक्ति करके आता है तो उसका पूरा परिवार ज्ञान में आ जाता है। आ जाता है नहीं, आ जाएगा। आ जाएगा, आ जाएगा। तो आ जाएगा, जैसे आने भी लगे हैं पूरे परिवार के परिवार आने लगे हैं इस समय। और वो जो एडवांस वाले हैं वो सारे जितने भी हैं बीज हैं, और क्या बीज में जो होंगे अंत में जो अपने अपने धर्म के अलग अलग वो बीज जो परिवार में जुटे हुए हैं, तो क्या बाबू वो लास्ट में अलग अलग फिर हो जाएंगे कि जो अभी एक है तो वो एक रहेंगे? अभी एक है जी, है फिर 68 में जो 98 में जो एडवांस पार्टी के अंदर से ही जो बिखर करके अलग हो गए और उन्होंने हमला किया, वो कहाँ से आए? वो अंदर के हैं। वो अंदर के एक ही है कि अलग अलग हो गए? ये एडवांस में जो भी आत्मा ज्ञान में आगे ना होगा ये उनसे संबंधित बीज रूप आत्मा बोल रहे हैं, उनको नहीं बोल रहे हैं जो मेन धर्म उन बीज है। एडवांस में जो भी ज्ञान में आते हैं पता ही नहीं इसका कौन किस धर्म का जी, फिर जब एक्ट करते हैं तो पता चलता है इस धर्म का, चलन से पता चलेगा, चलन से पता चलेगा, दृष्टि बत्ती से पता चलेगा, उनकी बातचीत से पता चलेगा। तो जो बाबा जिस धर्म के होंगे वो अपने अपने धर्म पिता में लाल सिंह जो चले जाएंगे जा रही है जी। क्या एडवांस पार्टी में विश्व पार्टी नाम की ढेर पार्टियां नहीं निकली हुई? नहीं निकली। तो उस परिवार के अलग हो जाएंगे सारे मरकर बोले अलग होंगे, जो पहले कन्वर्ट हुए थे वो अभी भी कन्वर्ट होंगे, शूटिंग हो रही है, रिहर्सल हो रही है। अरे हिंदू ही तो कन्वर्ट हो गए, दूसरे धर्म में गए हैं, दूसरे धर्म वालों को अपना बाप बनाया है, अपने बाप को तो भूल गए कि हमारा धर्म पिता कौन था, धर्म का नाम भी भूल गए। तो भाई कई क्लास में अपनी गीता पाठशाला में एडवांस में कई बच्चे सोचते हैं कि धर्मराज का पाठ हम ही लोग बजाने लग गए, ऐसे कई भाई बहनों का इधर उधर में ये होता है, तो क्या ये धर्मराज का पाठ बजाने की विपरीत है कि ये माया के चक्कर है या अंदर से ही पूछ रहे हैं, कैसा कुछ पाठ ही है ये? शंकर को फॉलो करना है इसी की मुरली में कहा, ब्रह्मा को फॉलो करना, ब्रह्मा को फॉलो करना, शंकर को तो फॉलो नहीं करना। महाकाल का पाठ शंकर का है तो उसको क्यों फॉलो करना, शंकर का काम शंकर को करने दो, तुम ब्रह्मा को फॉलो करो। मामा जी कहते हैं कि मुरली अपनी कैसेट में 84 जन्मों का पाठ बना है, वो रील हो रहा है, तो जैसे सोचे कि वो पाठ को अपन साफ करें, जैसे बंधा लगा तो साफ करें, तो कैसे कर सकते? करो ना साफ, अच्छे कर्म करो, श्रीमत पे चलो, श्रीमत जैसे चलाती है वैसे चलो, मनुष्यों की बात मत मानो, वेदहारियों की बात मत मानो, अपनी मनमत की बात मत मानो, श्रीमत पे चलो तो साफ हो जाएगा। नहीं कैसे भर गई वो, क्या भर गई? भर गई वही 84 जन्मों तक अभी तुम्हें मालूम है क्या भर गई? तो पता ही नहीं है क्या भर गई, तुम अच्छा ही अच्छा सोचो तो अच्छा ही अच्छा हो जाएगा। कई भाई बहन बाबा ऐसे बोलते हैं कि आप लोग बताते हैं कि 84 जन्मों का ये तो बना बनाया ड्रामा है, हाँ जी, कि जो है वो तो होगा ही होगा, खाना खाना बंद करो, खाना खाना चलते जिला पट्टी पहुँच जाओगे रसोई घर में। बनाया बनाया है वो तो ड्रामा, बना बनाया है, खाना होगा तो खाने जाएंगे। बोलते कि प्रचार क्यों करें जब बना हुआ ही होगा तो क्यों खाने जाओ, क्यों किचन में जाके बनाते हैं, क्यों कमाते हैं, अपने आप मुँह में कौन जाएगा? बना बनाया जाएगा आने वाली रानी लक्ष्मी जब आएगी तो 2,25,000 आत्मा बोलते हैं उनके पीछे झुंड के झुंड आएगी बाबा, तो वो जो आत्मा आएंगी सारी रानी क्वालिटी आएंगी, लेकिन उससे पहले जो ज्ञान में लड़के मर के समझ के मतलब ज्ञान को समझ के आएंगे वो सब राजा क्वालिटी है। तो एक कैसेट में बोला कि जो भाई बहन इधर ज्ञान में आ जाते हैं तो बेसिकली कुछ आत्माएं होती है वो आराम से छोड़ देती है कि ठीक भाई आप लोग जाओ कोई बात नहीं, अच्छा है आपका पार्ट यही है, तो कैसेट में कहा कि वो गोपी बनेंगी, अब जो लड़ती मरती कटती पड़ती है वो कभी भी इधर उस झाड़ में भी नहीं आएंगे, जो जो रानी मक्खी आएगी उसके पीछे जो झाड़ आएगा ना पूरा का पूरा,
ये वही आएंगे जो इधर एडवांस में आने के बाद उनकी नियमित टीचर होती है, नियमित इंचार्ज होते हैं, जो गाली गलौज नहीं करती, मारपीट नहीं करती। ठीक है, समझ में आता है उनको। हाँ, सच्चाई है इधर। हाँ जी, और जो मारपीट करती है, गाली गलौज करती है, तो उनको सीढ़ी छोड़ना पड़ेगा। वो उसके पीछे पीछे रानी मक्खी के पीछे नहीं आएंगे। नहीं आएंगे ऐसा कह सकते। सुना तो कईयों का कहना है इसका मतलब ये बहन जी हमारी रानी मक्खी के पीछे आएगी, पहले नहीं आएगी क्या? कौन सी? जो बहन जी ने कुछ नहीं किया, जो जिस धर्म का होगा वो उसी को फॉलो करेंगे ना। राधा चंद्रवंश की है, चंद्रवंश की है, तो जिनको चंद्रवंश में आना होगा वो राधा को ही फॉलो करेंगे ना। अभी भी कहते हैं बहुत से कि जब वो निकलेगी तब हम आएंगे। अच्छा, बहुत से ऐसे कहते थे कि जब कुमार का दादी मानेगी तब हम मानेंगे। माने से इस्लाम धर्म क्या है ना। बहुत से ऐसे कहते जल्दी सुबाई मानेंगे तब हम आएंगे। माने आज समाज धर्म क्या है ना। तो आने वाली लक्ष्मी जो 2008 में बोला गया, आने वाली लक्ष्मी 2008 में आना माना कहाँ आना? पहले अपने कुल वालों के बीच में आएगी कि दूसरे कुल वालों के बीच में आ जाएगी? क्या एडवांस पार्टी की बुद्धि में कि कैसे? बुद्धि में तो अभी आई कुछ पड़ी, तब तो आह्वान कर रहे हैं। आह्वान तो कर दो, 2008 में आएगी इधर। आठ में कोई है? वो आती है। अगर वो 8 में आ जाए तब तो अष्टदेव हो गए। तो 8 का बोला ना, 8 तक का। 8 जो सत्य है तो उनमें लक्ष्मी सत्य है। लक्ष्मी सूर्यवंशी है या चंद्रवंशी है? चंद्रवंशी भी सत्य होते हैं क्या? सूर्य के बच्चे हैं, सूर्यवंशी होंगे ये, चंद्रवंशी होंगे सूर्यवंशी। कमला दीक्षित एक बार जो साकार में गुप्त में चल रहा है कि बच्चों के सामने प्रत्यक्ष, जो प्रत्यक्ष में सरेंडर नहीं हुई थी सबसे पहले, वो सरेंडर होकर के उसने निभाया नहीं कई साल। उसको देख करके ढेर सारी सरेंडर नहीं हुई। अभी कब तक जाते हैं? तो बाप का घर दिल्ली में, माँ का घर तो माँ से मिलन हो जाता है ही नहीं। वहाँ माँ तो अलग, बाप का घर और माँ का घर होता तो एक ही है। लेकिन वो विदेशी माँ है, स्वदेशियों की भी माँ है, वर्ल्ड की माँ है, वो विदेशियों के भी संस्कार धारण करेगी या नहीं करेगी? करेगी। तो विदेशी से तलाक देके अलग बैठ जाते हैं। तुमको प्रोफार्मा पढ़ाया नहीं गया क्या? फिर मैं तो गुप्त बताया था, वो अपने शायद कल बात में बच्चों के सामने प्रत्यक्ष से मिलती हूँ। कौन अपने बच्चों? जो उनके चंद्रवंशी ग्रुप होगा उससे मिलती होगी। अच्छा। अरे यहाँ भी एडवांस पार्टी में सूर्यवंशी ग्रुप, चंद्रवंशी ग्रुप, इस्लामवंशी ग्रुप, बौद्धवंशी ग्रुप, सब ग्रुप अलग अलग निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? ये तो माला कैसे बनेगी? अरे ऐसा मैं कहाँ, ऐसा मैं कहाँ ढूंढा अपने जाकर, जिसको जिसकी दरकार हो तो अपना ढूंढेगा जाकर। दरकार है ना, बड़ी मम्मी की खोज कर रहे हैं ना। तो पाली है, बड़ी मम्मी की खोज कर रहे हैं। तुम्हें दरकार है छोटी मम्मी, बड़ी मम्मी, बड़ी मम्मी है कहा? जिसको दरकार है वो उसके पीछे पड़े। बाबा में भी, बाप में भी तो है ना। क्या तो मैं हूँ माता के पिता, तो मैं दोनों बंद जुट कर माँ बाप दोनों ही तो है। तो बड़ी मम्मी का तो बाद में आएगी तब देखेंगे। तो मुरली में तो बोल दिया है देव पुजारी है रावण संप्रदाय। बाबा माताओं को आगे रखा है? आगे रखा है, आगे ही रखेंगे। लक्ष्मी नारायण कहते हैं, लक्ष्मी नारायण कहते हैं, लक्ष्मी पहले नारायण वाले हैं, सीता पहले कहते राम वाले हैं, शंकर पार्वती जी हम कहते हैं, शंकर पार्वती, शंकर बोलते हैं। शंकर में शिव प्रवेश करके उसको आप समान बना लेता है, वो ऐसा पुरुषार्थ करता है शंकर कि बाप समान खुद भगवान बन जाता है। इसलिए शंकर का नाम पहले और पार्वती का नाम बाद में। गौरी शंकर तो बोलते हैं, गौरी शंकर, गौरी गौरी है। ओ, शंकर जब तक विष पीता है तब तक शंकर पीछे है। गौरी गोरी है, शंकर काला है उस समय। हाँ जी उस समय। और कहते हैं कि जैसे आत्मा ये शरीर छोड़ेंगे, आप ये वही बच्चों में प्रवेश होंगे जो बैठ पुरुषार्थ की जीवे, तो फिर उनका पुरुषार्थ कैसे बढ़ेगा? जैसे आत्मा आ गई वो सुन के चली गई, तो फिर वो सुनने वाले बच्चों का कैसे पुरुषार्थ? 63 जन्म में प्यार किसने किया था उनके साथ? है
और तेईसवा जन्म उनके साथ किसने प्यार किया था? राम बाप ने, कृष्ण कृष्ण ने मना कर दिया था, तो हमको छोड़ करके उधर चली जाओ। बताओ चुप ना। बाबा जी छोटी वाली पॉकेट त्रिमूर्ति की छपवाई गई है। हाँ, सच्ची गीता पॉकेट है वो छोटी वाली किताब है, चार पांच चित्र की छपवाई गई थी, एक घंटा जिसमें कोर्स लिखा हुआ है। नहीं वो अलग है। हाँ वो किताब पॉकेट अलग है। नहीं वो जो चार पांच चित्र हैं, ये चारों चित्रों के छोटे वाले जिसमें एक घंटा लिखा हुआ है। हाँ, एक घंटा का कोर्स। उसमें लिखा हुआ है कि 2000 में कलयुग का अंत और विनाश होगा। ब्राह्मणों की, ब्राह्मणों की एडवांस की दुनिया के लिए है। लेकिन उसमें तो बाबा स्थूल रूप में लिखा हुआ है पूरा। है उनकी स्थूल दुनिया कोई आप हुए दुनिया, वो पुरानी दुनिया तो पहले ही खत्म हो गई। बेसिक में आते हैं तो बाहर की दुनिया बुद्धि में से निकल जानी चाहिए कि नहीं? ये भस्म होने वाली दुनिया है, इससे हमारा कोई कनेक्शन नहीं। तो ऐसे ही एडवांस में आने के बाद तो दो आ जाते हैं उनके, वो जो सच्चे सच्चे आ जाते हैं उनकी बुद्धि भी आ जाना चाहिए। ये बेसिक वाले सब मरे पड़े गए, इनका कोई नहीं कल्याण होने वाला है। ये अगर आ भी जाएंगे तो आगे चलकर हमारा अपोजिशन करेंगे और भारत का नाम बदनाम करेंगे। 63 जन्मों में भी जाते हैं, नाम बदनाम करेंगे। जो यहाँ शूटिंग करेंगे सो वहाँ करेंगे जाके। नहीं तो बाबा उसमें लिखा हुआ है कि सन 2000 में विनाश होगा और भूकंप आएंगे। हुआ था विनाश जी 98 से लेकर के, जब 98 में हमला हो गया ब्राह्मणों की दुनिया एडवांस की दुनिया में, तो बाबा जेल में चले गए, चार पाँच महीने जेल में रहे। तो उसके बाद विनाश नहीं हुआ? वो लोगों को अनिश्चय नहीं बैठेगा है क्या? है क्या ये क्या हो रहा जी? जो कम ज्ञान वाले हैं उनको अनिश्चय बैठेगा, जो ज्यादा ज्ञान वाले हैं उनकी बुद्धि में आएगा। अरे भगवान को भी तो प्रश्न, जेल में जन्म हुआ क्या बड़ी बात हो गई? जेल में जन्म हुआ, जन्माष्टमी के दिन जन्म हुआ, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन छुटकारा हो गया। तो बुद्धि में आना चाहिए ना। भले कोई कहता हो अरे इनके भगवान कैसे, देखो जेल में जाते फिरते हैं, ये कहाँ भागे भागे फिरते हैं। भगवान को भी डर है, भगवान को भी भागने भागने से सरकार है। ज्ञानी होंगे वो समझेंगे, अरे शंकर भगवान को भी भस्मासुर के डर से सारी दुनिया में भागे भागे इनके कृष्ण भगवान को कंस जरा सिंधी जुस्मान के डर से गाँवों गाँवों में छुपते हुए रहना पड़ा। राम भगवान को भी जंगलों में मारे मारे फिरना पड़ा, रावण रहता था महलों में और राम रहते कहाँ? यानी ऐसा क्यों हुआ? लड़ाई करवा दे। अच्छा और जो धर्म पिताएं आए हैं, इब्राहिम बुद्ध कैसे गुरु नानक, उन्होंने तो खून खराबा करवा दिया, उन्होंने खून खराबा करवा दिया, तो भगवान आके खून खराबा करवा दे? चोकर के खून खराबा कराए भगवान के ऊपर मानने कुछ भगवान तो सिद्धांत होगा बाद में भगत भगवान कोई जादू वो क्या बाजीगर है क्या? भूख मारेगा और चीज तैयार हो जाएगी। जादूगर तो बोला बाबा बाजीगर 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 ऐसे ही तो कहते तुम्हें भगवान कैसे चाहे तो एक बात दृष्टि से पूरा भस्म कर दे, ऐसा कर दे सब कुछ। हो तो गए भस्म, तुम्हारा पति भस्म हो गया। बताओ उनको एक सेकंड में। हाँ एक सेकंड में पति में बाबा को देखो रही चक्कर घूमा और तुम्हारा गला कटा। इतनी बीड़ी पीते थे, इतने गुटखा खाते थे, इतनी शराब पीते थे, एक सेकंड में खत्म। तो फिर सीढ़ी के क्षेत्र में जैसा दिखाया है कि 2500 वर्ष तक सतयुग और त्रेता होता है, और द्वापर में दिखाया है 2501 से शुरू होता है, 2501 से शुरू होता है, तो जो आज चल रहा है तो 2000 जैसे साथ चल रहा है, तो 2500 कैसे पूरा होता है? 2501 से चलता है तो 5000 पूरा होना चाहिए। तो कृष्ण की प्रत्यक्षता होगी, बाप का बच्चे, बाप और बच्चे का जन्म इकट्ठा हुआ तो कृष्ण जन्म होगा, वही बाप का जन्म होगा, सही शिवरात्रि का दिन वो होगा। तो सबसे संबंध एक शुरू बन गया। बाबा जैसे ईश्वरी सेवा में समर्पण होना चाहते हैं, मतलब ईश्वरी सेवा ही करना चाहते हैं, तो जैसे यहाँ एडवांस प्रश्न आएगी मांगने से तो मरना अच्छा है, तो मांगते नहीं वो कोई वैसे ही देना चाहे स्वेच्छा से बिना मांगे कोई दे रहा है, तो वो सेवा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए?
क्यों नहीं लेना चाहिए, लेना चाहिए और ईश्वरी सेवा में लगाना चाहिए। अपने लिए पाव भर आटा बहुत काफी, जो मुस्लिम बोला हुआ ईश्वरी सेवा ही करना चाहते हैं, बाकी धंधा जब हमें गारंटी मिली हुई है ईश्वरी सेवा में लगे रहने वाले बच्चे भूख नहीं मर सकते। हम का लिए दुनिया भर की आजमत मोल ले। बाबा जी गीता पाठशाला में युगल जो चलाते हैं, गीता पाठशाला के जो निमित्त बने हुए हैं और वो उनके युगल धंधा करते हैं है? उनके युगल नौकरी धंधा करते हैं पुरुष पुरुष तो उनको क्या करना चाहिए अगर वो ईश्वरीय सेवा में लगा? और क्या भीख मांगे? छोड़ देना चाहिए। और वो भीख मांगे घर में जाकर क्या पैसा दे दे, हम आपकी गीता पाठशाला चलाए नहीं आने वाले विद्यार्थियों से। बाबा उनके कहने का अर्थ ये है कि मकान वगैरह बिक्री करके और ब्याज में पैसा लगा के उस ब्याज से सेवा करेंगे, हम नौकरी धोकरी नहीं करेंगे। अच्छी बात है ये बात। साफ साफ बोला तुम्हारे पास कितना पैसा है कि रोटी टोकर खाते रहे और ब्याज मिलता रहे, जीवन चलता रहे, ईश्वरी सेवा करते रहे, और क्या चाहिए? अच्छी बात तो है, खराब बात क्या है? लेकिन हिम्मत वाले होंगे वही करेंगे, सब थोड़े करेंगे। तो हिम्मत है बच्चे मत दे बाप, तो बाप मुझसे अगर हिम्मत करेंगे। और ये मकान के बारे में बहुत कईयों का विचार है, कैसे में सुन गए ना, बड़ा बड़ा मकान है तो क्या करना है, हम बड़े मकान को बिक्री कर दो, छोटी सी झोपड़ियाँ ले लो, गीता पास चलाओ। ये तो नहीं कहा कि बड़ा मकान है, बड़े बड़े मकान है, जैसे बड़े मकान में गीता पाठशाला चल रही है तो उसको बेच दो और झोपड़ी बना लो वहाँ गीता पाठशाला, ऐसे तो बोला नहीं, ऐसा कुछ कहीं का विचार कर, ऐसा कहीं नहीं विचार चलता है तो अपनी मन में चलाते। और माऊ बाबू ने कहा है कि अगर तुम्हारे छोटा एक कमरा है, एक कमरे में गीता पाठशाला चल रही है, उसी में खाना बनाते हो, उसी में हो जाते हो, उसी में झाड़ फूंक करके क्लास कराते हो, तो वो ठीक है। कहते हैं कोई कि हमारा छोटा कमरा है, बड़ा कमरा बना ले, क्लास बड़ा बना ले, एक हाल बना ले, तो उसके लिए बाबा परमिशन नहीं देते हैं। अब तो सारे मकानों को बेकार हो जाएंगे, प्रॉपर्टी की कोई कीमत ही नहीं रहेगी, तो तुम मिट्टी में पैसा क्यों बहाओगे? खिलाओ थोड़ी और बड़ा अब तुमने बना लिया, जब बनाने से पहले तो पूछा नहीं, पहले बना हुआ था कितना बना लिया है, वो तो दाम अपने अनुसार बन गया ना, इसके ऊपर उठा के छप्पर कर ले, उसमें टीन डाल के ऊपर से पत्रा वतरा डाल दो, पत्रा वो क्या ना क्या होते हैं तार पत्री तिल का, तिल का उसका लंबा लंबा तार पत्री होती है ना, खर खपड़ा क्या होते हैं वालों के जो लिमिट है ना, तो उनके पूछ रहे थे किसी ने लोन ले रखा है, किसी ने कर्ज ले रखा है, जैसे तो बाबा का एक बार इसमें आया था कि हर गीता पाठशाला का पूरा पोता मेल हिसाब किताब आया गया लेन देन सब, तो उसको जाना चाहिए बाप के पास, तो कईयों ने लोन ले रखे है, कईयों ने कर्ज ले रखे है, तो उसके बारे में बाप की क्या राय है? क्या रहे हैं क्या कह देंगे, लोन चुकाओ अपना, बात ना पाएंगे क्या? तो ऐसे हमें खूब खर्चा करते हैं, लोन पड़ा हुआ है, लोन पड़ा हुआ है, कर्ज पड़ा हुआ है, भगे जा रहे हैं, भगे जा रहे हैं, भगे जा रहे हैं, तो लोन लेने जिनसे लोन लिया है वो पकड़े गया कि जेल में डलवा देंगे, इसलिए बाप क्या करेंगे? मुरली में तो बोल दिया बाप ने, बेसिक में ही बोल दिया, कर्ज मर्ज कहा जाता है, मर्ज तो बढ़ता ही चला जाएगा, मर्द को पालना चाहिए क्या? तो पहले कल चुप तो करना चाहिए ना, ये तो चुप तो करना चाहिए, गीता पाठशाला पहले खोल ले। बाबा जैसे कोई जमीन देता है तो उसको बेच करके तो बना बना ले सकते हैं। जमीन कौन बेच देता है? दे रहा है तेरे एडवांस में चलने वाला देता है और किसको देता है? एडवांस में चलने वाला बाप को दे रहा है, बाप को दे रहा है, बाप का है, पता ही नहीं है जिसको देना है उसको पता ही नहीं है, अब बीच वाले बिचौलियों को पता लग गया परिवार है तो बिचौलियों को पता चल रहा है, दे रहा है तो सरकार में बाप को बताना पड़ेगा, उनसे मिलाना पड़ेगा, पर्सनल तो कोई लेन देन करना ही नहीं। जैसे बाबा अभी पहले तो बाबा का चंडीगढ़ खेत था तो कई कुमारों की इच्छा होती थी कि चलो वहाँ रह सकते हैं, सरेंडर हो सकते हैं, कुछ भी मतलब
कुमारों को सरेंडर तो नहीं, अभी कई कुमारों की इच्छा होती है। सरेंडर कब किया कुमारों को? किया नहीं, वो बताया नहीं, मुस्लिम बोला बैलों को सरेंडर करके रखना है। बैल पाल गाया हुआ है, गोपाल गाया हुआ है, गोपाल गाया हुआ है, बैलों को सरेंडर होने की दरकार है। नहीं, सेवा में दुनिया कन्या माताओं की सुरक्षा करने का आवेल तो समाज बनाया नहीं कि चौराहे को कोई कन्या रहे और सुरक्षित रह जाए, उसको तो कोई न कोई शेल्टर, कोई न कोई आश्रय रहना ही पड़ेगा। कुमारों को इसकी दरकार है क्या? बैल तो चाहे जहाँ चलो बोलो, सेवा में रहता तो कभी कमती नहीं है। एक कुमारों की इच्छा होती है हम भी रहे, कोई सेवा करो, हम भी रहे नहीं, सेवा करने के लिए कंपिल में, कंपिल में रहो चाहे दूसरे मिनिवेजों में रहो, जहाँ कहीं सर्विस करना है तो जहाँ भेजा जाए वहाँ रहो, सेवा करो, सर्विस करो, फिर सर्विस में करो, जैसे महीना दो महीना तीन महीना ऐसे। हाँ जी, जैसे पार्वती ने वो वन जंगल बनाया हुआ था, जो भी आएगा पुरुष वो क्या बन जाएगा? स्त्री बन जाएगा, स्त्री बन जाएगा। पार्वती ने एक ऐसा कामे का वन बनाया कि जिसमें जो भी आता था क्या बन जाता था? हाँ, ऐसे ही है। अभिमान त्याग करके मिनी वजन में रहना चाहो तो रहो। बाबा दुकान हम चलाते हुआ पकड़ के तो गुटका बीड़ी जैसे बेचते हैं। हाँ जी, उस सबको मतलब बाबा के हुकूमत से हम रोकते ही बीके में बने रहे थे, गुटका बीड़ी मत खाओ। तो मैं कहते काय भाई त्यागी, तुम तो बेचते हो, खाने वालों को दोष लगाते हो और बोर्ड टांगे को लिखना। मुरली में सिर्फ शराब बेचने का धंधा मना किया हुआ, बाकी सब धंधे जो है गंदे ही धंधे हैं। कोई धंधा अगर चालाकी चलताई नहीं करोगे तो आज की दुनिया में सफल होने वाला नहीं, पैसा कमाए नहीं सकते। फुटका हो चाहे फुटका हो, शराब का नहीं करना। भाई अभी प्रश्न आया था, भूदान प्रदर्शनी लगी मीना दीदी की, तो बोले त्यागी भाई कपासी से इसलिए नहीं आए डरण के मारे, भूगा के ब्राह्मण वाले किया जो लोग ब्राह्मण है, तो त्यागी भाई इसलिए वो नहीं आया और हम आए थे वो करके भट्टी तो बीमार थे। इकाइयों का प्रश्न है, ऐसा कुछ करने से क्या होता है बाबा? जैसे बोलते हैं कि सब धंधों में है नुकसान, सिर्फ एक ईश्वरीय धंधे के, तो ये जो धंधा हम लौकिक में कर रहे हैं तो इसमें तो नुकसान तो लगता ही है, तो इसका जो झूठ झाट बोलते हैं तो ये तो कर्म बने ना। ईश्वरी सेवा में कितना लगाते हैं सुनी मालूम? ईश्वरी सेवा में हम ज्यादा लगाते हैं हाँ। और आसुरी धंधा करके पेट में कम डालते हैं, नहीं समझा? हमने आसुरी धंधा किया, पेट में डाला पावर और बाकी सब लगा दिया ईश्वरी सेवा में, तो हमने अच्छा किया बुरा किया? ऐसे तो बाबू भक्ति मार्ग में लोग डकैती डालते थे और उसका पैसा लेकर के भक्ति मार्ग में मंदिर मंदिर बनवाते थे। डकैती है क्या? उन्होंने किसी जबरदस्ती छीन के लिया? जो समाज की चलन है उनके अनुसार लिया या समाज की चलन के विपरीत लिया? डकैती डाल के चोरी करके लिया? कर्म करके ले रहे हैं। समाज की चलन के अनुसार लिया या समाज की चलन के बरखिलाफ लिया? चलन के अनुसार। दुनिया से तुम कैसे इसको टैली कर सकते? सही है। इनको नौकरी वोकरी से भरा जा रहा है ना, कई भाई बहनों को युगलों को हाँ। तो नौकरी से भरा जा रहा है। बाबन बोला जब तुम्हारी ईश्वरी सेवा इतनी ज्यादा बढ़ जाए, तुमको बुलाने वाले इतने ज्यादा बुलाए कि तुम्हें नौकरी करने के लिए तुम्हें परेशानी होने लगी। हाँ जी, वही हो रहा है। तो उस समय तुम नौकरी धंधा छोड़ दो और तुम्हें पक्का निश्चय है कि हमको तो रोटी चुक्कर हमारा को हमारे बच्चों को मिलेगा ही, रास्ता ना बोलना। बाबा बोला गया है कि स्त्रियों के 41 जन्म होते हैं और पुरुष के 44 जन्म होते हैं। ऐसा बने बोला चावल वो रुद्रमाला की और विजयमाला की बात कर रही है। ये कह रहे हैं कि मुरली बोला गया है स्त्रियों के 21 जन्म होते हैं और पुरुषों के 44 जन्म होते हैं। जो रुद्रमाला के मणके है वो है पुरुष है, तो भले स्त्री है और भले पुरुष है, लेकिन जो भी स्त्रियां हैं रुद्रमाला में वो भी हुक्म चलाने वाली है, क्या कंट्रोल करने की स्वभाव वाली ज्यादा है, इसलिए वो भी क्या है पुरुष है या स्त्री है स्वभाव संस्कार पुरुष है, इसलिए वो 63 जन्म जब होंगे तो पुरुषों के जन्म उनके ज्यादा होंगे। और जो विजयमाला से आएंगी वो आधीन रहने की स्वभाव संस्कार वाली है,
बकरी का स्वभाव संस्कार, जितने कान पकड़ लिए वह उसे कंट्रोल में रहना है, सर ऊंचा नहीं उठाना है। तो वो जो है वो स्त्री जन्म ज्यादा नहीं। अब किसी में स्त्री जन्म के संस्कार कम होंगे, किसी में ज्यादा होंगे। अब है योग बल की बात, जिसमें जितना जाति योग बल होगा वो उतना ही ज्यादा पुरुष जन्म ज्यादा नहीं। भैया माना कि आत्मा तो अभी निकली ही नहीं है, तो योग बल कहाँ से आया? निकली है क्या है? उन्होंने बाप को पहचाना? जब बाप को पहचान ही नहीं तो योग बल कहाँ से आ जाएगा? कंचन का बनेगी, ये सारे जो एडवांस के है ना, चाहे चोला स्त्री का क्यों ना हो पुरुष बनेगी, और उधर सारे जितने भी पुरुष क्यों ना हो सब रानी पड़ती है ना, तो स्त्री बनेगी तो कहीं बनेंगे दो जन्म ज्यादा से ज्यादा पुरुष के, नहीं अभी अंतिम में दो जन्म ज्यादा से ज्यादा स्त्री के ले सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। अभी संयम युग स्वर्ग जब होगा ना, उस समय की बात हो रहे हैं, थोड़ा ऐसा कैसे संभव हो सकता है? कैसा माना कि इधर जो एडवांस में है चाहे वो स्त्री चोला नहीं क्यों ना हो, सब राजा क्वालिटी है ना, राजा क्वालिटी है तो क्या हार्मोन चेंज नहीं हो जाते हैं? आज की दुनिया में क्या सुनने में नहीं आता है कि ये आदमी औरत बन गया, ये औरत माता माता है और माता से पुरुष बन गई, हो रहा है तो वो तो कम हो रहा है। आगे चल के जब स्वभाव संस्कार पक्के हो जाएंगे तो ज्यादा देखने में आएगा, इसी प्रैक्टिकल शरीर से। हाँ जी, प्रैक्टिकल शरीर में ही क्या परिवर्तन आ जाएगा, हार्मोन चेंज हो जाएंगे स्वभाव संस्कार के आधार पर। बाबा कुछ कठिनाई जैसे भयभीत हैं कि मतलब बाबा भक्ति कर रहा है और फिर या स्वयं के बाद या माता पिता के बाद शादी कर ली है? मतलब स्वयं के बाद से या माता पिता के कारण शादी कर ली है? तो पाप के भागीदार कौन रहेंगे फिर? कन्या जाना चाहती है भट्टी में, तो वो भाई थे मतलब कि जा रहे भट्टी में तो जा रहे, कहीं ऐसा नहीं कि बाद में शादी करना पड़ी तो उसके दूसरे पाप के भागीदार बनना पड़े। अठारह साल की हुई नहीं अभी? हाँ हो गई है अठारह साल। उनको क्या परवाह दुनिया की पड़ी हुई है, अपना सर्टिफिकेट उठाया दुनिया में कहीं चली जाए कोई नहीं रोक सकता है। सरकार की तरफ से पूरी छूट मिली हुई है, 18 साल की कन्या है चाहे जहाँ चली जाए कोई नहीं रोक सकता है। और यहाँ तो इसी परिवार तो सहयोगी बनेगा, कितनी कन्याएं आई और बड़े बड़े घरानों की आई और उन्होंने खुद को हमले किए, कुछ हुआ क्या? जी नहीं, तो इतनी उम्र वो भी नहीं है, ताकत भी नहीं है, पकड़िया है पहले से तो कोई क्या उनके कहने से पंडा को दोस्त तो नहीं मिलेगा, बंदे के ऊपर तो नहीं पड़ेगा ना, बंदे के ऊपर काय का दोस्त? रास्ता अच्छा दिखाया, शेरनी बनाने का रास्ता दिखाया, और शेरनी जाए वो बकरी की बकरी बनी रहे तो क्या करे कोई? बनने के कन्या भी तैयार है तो वो जाने के लिए, तो हमने कहा बाबा से पूछ ले पहले, ऐसा नहीं ले जाए उसके बाद वो गड्ढे में मिल जाओ। भर्ती के बाद बदल जाए, संकल्प करें गड्ढे में गिर जाए। नहीं बाबा हम संकट नहीं, तो भर्ती में गया तो बस पक्का है, बच्ची में जाते हैं इसीलिए तो पकने के लिए, बच्चे होके आने के लिए थोड़े जाते हैं। इस समय ज्ञान में जो है एडवांस में जो सीधी मुरली सुन करके बाबा की साकार में तुरंत खींचे चले आते हैं और वो तुरंत निश्चय करते हैं, आवाज सुन के ही निश्चय कर लेते हैं, और निश्चय करने के बाद वो भर्ती करने जाते हैं वहाँ पर फुरकाबाद में, तो वो जो है जन्म जन्म की तो प्योरिटी के लंगड़े हैं, वो तो एकदम निश्चय करते हैं, लेकिन बाद में अगर मान लो विकारों में जाते हैं तो क्या उसके जो पंडा ले जाते हैं उसपे कुछ पाप दोष पड़ता है? अरे पंडो बाबा ने तो बोला रास्ता बताया, ये थोड़े ही कहा कि तुम जाके गड्ढे में गिर जाना। बाबा ने तो बोला इंद्र सभा में किसी ऐसे पतित को नहीं लाना है। तो पतित क्यों ला रहे फर्क हो कि पतित तो नहीं बन रहा है, तो पतित है क्या? कितने दिन की कितने दिन की पवित्रता के धार पे बोल रहे हैं, किससे के धार पे है? जिस दिन सुना उस दिन से लेकर के और जब तक 7-8 दिन तुमने सुनाया तब तक उसके वाइब्रेशन उसकी चलन उसके जो हाव भाव है तुम्हें दिखाई पड़ रहे हैं कि वो दुनिया से बुद्धि हट गई, तो उन 7 दिन में तुमने जो कुछ उनको दिया वो सही दिया, वो फिर बाद में कुछ भी होता रहे वो उनके पूर्व जन्मों के हिसाब किताब, तुम्हारा क्या दोष?
बस सेकंड में नीचे बोलते हैं फिर ऐसा भी होगा जो सेकंड में नीचे होगा तो उसको ले जा सकते हैं पूरा निश्चय एकदम देखने की बात है ना वो तो सेकंड में निश्चय छह महीना नहीं लेके जाना चार महीने निशानी नहीं होगी हाँ दिखते निशानी भी होगी बैठे भाई बिना बाबा से मिले रह नहीं सकते हाँ रह नहीं सकते बिल्कुल ये बताइए बाबा जैसे मान लीजिए पति उठा लेता ज्ञान लेकिन पत्नी नहीं उठाती है और पति विवश में उसके चलता है कहता है मुझे भक्ति करना क्या करें भक्ति करवा रहे उसको पति पति है लेकिन पत्नी है वो तो मान लीजिए है लेकिन वो मान लीजिए क्या है जो कोई काम है तो चाहे जो कुछ करे कई जगह तो पति होते हैं कई जगह तो पत्नी भी है बाल आवे तो रुद्रवाला का मड़का ही हो गया ना बांधा में भी गीता पाठशाला में जैसे अंधेरे में वहाँ जैसे नेपाल में कहा बाबा ने कि अंधेरे में क्लास नहीं करनी है ना तो अंधेरे में ही कन्या माता अगर आती जाती है गलत बात है हाँ जी तो उसके बारे में भी हो गया रास्ते में कोई गुंडे ने पकड़ लिया कोई बात हो गई तो उसका पाप किसके ऊपर जाएगा गीता पास लगे मुझको जो डायरेक्शन दे रहे हैं उनके ऊपर पाप जाएगा फिर अवस्था खराब होगी समाज में बदनामी होगी बाप का नाम बदनाम होगा इसलिए जब झटपटा होता है तब घर से बाहर निकले क्लास करने के लिए और शाम को भी शाम को अब 8 बजे से पहले कितना शाम को 7:30 ज्यादा से ज्यादा सूरज डूब जाए वो अंधेरा हो जाता है उसके बाद घर में उसके बाद क्लास छोड़ना पहले से उससे पहले ही क्लास छोड़ना चाहिए 7:30 हाँ जी एक मुस्लिम बाबा बोला हुआ कि शंकर को शंकर कभी मारता नहीं है मुस्लिम बोला गया है कि शंकर कभी मारता नहीं मुस्लिम क्या भक्ति बार वो नहीं बोला वो तो अमरनाथ बोला कि देवता है जिसके लिए बोलते हैं अमरनाथ ही कभी जन्म नहीं लेता तो संगम में इसमें सही नहीं उसको सही सोच देखेगा वो सबसे सबको मार के मरेगा या उसको मारने वाला पैदा हुआ मार के सबको मार के तब मरेगा तो उसको मरते हुए देखेगा कौन जब देखेगा ही नहीं तो अमर हो गया ना हालांकि बेहद निष्कार जो अनिश्चय बुद्धि हो जाते हैं वो मर जाते हैं और जो निश्चय बुद्धि हो जाते हैं वो जैसे ही जन्म ले लिया उन्होंने बाप के बच्चे बन गए निश्चय बुद्धि जन्म लिया और निश्चय बुद्धि बना मृत्यु भी तो एक आत्मा तो ऐसी है जो कभी मरती नहीं है एक बार जन्म ले लिया संक्षेप से और अंत तक उसका निश्चय अटल रहता है कोई उसको गिरा नहीं सकता बाकी जो भी आत्मा है उनका निश्चय अनिश्चय होता रहता है ओम शांति बोलो और कृष्ण आदि ने रहकर दिखाया गया उनकी आत्मा पवित्र है उनको पवित्रता का ताज दिखाया गया और वो डेढ़ी जिले की चोटी तक रोशनी में है इसका मतलब उनका सारा शरीर लक्ष्मी नारायण का सारा शरीर ज्ञान में सराबोर है तो कहते हैं नारायण उनका नाम ही क्या है नार माने ज्ञान ज्ञान जल आयन माने घर कहाँ रहता है ज्ञान जल में तो प्रकाश ज्ञान का प्रकाश कार्यक्रम दिखाया है तो उनका ज्ञान आयन ज्ञान नारायण हो गया उनका ज्ञान जल ही उनका घर हो गया इसलिए उनका नाम नारायण पड़ा राधा का तुझे ज्ञान हो गई नहीं बाबा इस गोले के ऊपर शंकर जी को दिखाया है आत्मा वो जाते नहीं तो शंकर जी के ऊपर क्यों वैसे दिखाए गोले के ऊपर बताया दोनों बिल्ला तो उसके गोले के ऊपर पृथ्वी के गोले के ऊपर शंकर जी को दिखाया विराज का देवता कौन है आत्मा को हाँ जी खींचता है बच्चों को नैनों को बिठा के ले जाऊंगा नैन तो इतने छोटे हैं बच्चे तो इतने बड़े बड़े हैं बाबा
बाबा सारे दिन मैम के ऊपर चल जाएंगे तो क्या हाल होगा जमीन है वो 40,000 का बीघा दिख रही है मान लो, अब उसको ये चाह जाके जैसे आगे जमीन माने पैदावार भी कम होनी है विनाश के पीरियड में और 30 साल के बाद विनाश हो ही जाना है। नहीं पैदावार तो बढ़ रही है, बेच दिया जाए 1,000-2,000 का बीघा दिख रही है, अभी तो पैसा मिल रहा है। वाह 1,000-2,000 का साल पैदा होता है 40,000 का बिक रही खत्म समझ गई सर, समझ गया ना, अभी पैसा मिल रहा है, पैसे की वैल्यू है, आगे चल के पैसे की भी वैल्यू नहीं, पैसे की वैल्यू नहीं पापा और पैदावार भी कम होनी है। पैदावार तो अभी जो नई नई बीज निकल रहे हैं और जो ये नई नई तरीके की पैदाइश हो रही है खाद आपसे तो ज्यादा हो रही है, लेकिन सब थोड़े भी काम कर पाते हैं। वाले बाबा की निंदा करते हैं कि गुरु बाप है, निंदा चिपक जाती है क्या? तो बाबा ने गालियां चिपक जाती है क्या? बाबा ने मुरली बताया कि हम लोग बाबा की निंदा करने वाले की स्वभाव से डर कितना चाहिए, मतलब मुरली में जैसे बाबा ने बोला है कि बाबा की निंदा करने वाले के सामने मतलब जो निंदा करता है बाबा की उसके सामने नहीं रुकना चाहिए। तो अपनी बुद्धि को बात टिकाते कहाँ, एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल देते, हम देखते हुए नहीं देखते। क्या कहते हैं वो अपने मुँह से बोलते हैं, अपना मुकंदा करते हैं, हमारा मुकंदा करते हैं, वो तुमको मना कर दे रहे हैं। बाप की निंदा भी तो नहीं सुननी है ना, सुनते रहेंगे बैठ के, जब वो तुमको गेट आउट करके जाओ तो निंदा तो सुनाते हैं ना, तो निंदा सुनते रहेंगे बैठ के, बाप की निंदा भी तो नहीं सुननी है ना, जैसे माँ के सामने बच्चा गाली देता है बच्चा है। तो बाबा वो उनके युगल नहीं चल रहे हैं दोनों लोग, वहाँ पे गीता पाठशाला खुला हुआ है और दोनों लोग नहीं चल रहे हैं, तो वहाँ पे ज्ञान में वो ढकोर में क्या है ना, जो बेटी गीता पाठशाला है ना हमारा, उसकी युगल तो ज्ञान चलती नहीं है, वो जो भाई है वो भी कोई धारणा में नहीं चलता, ऐसे क्लास चल रही है, अब इनके खुल गई ये एडवांस के सारे एक साथ करते हैं सारे के सारे, तो वहाँ चली जाते हैं तो वहाँ जाने से फायदा क्या थी, एडवांस की किताब है ना सब कोई ठीक तो है बाबा, जैसे जैसे उस वाले आश्रम में जाते हैं तो उंगली दिखाते हैं जैसे गेट में जैसे कभी जैसे आपसे जाते नहीं है तो शंका पार्टी में चले गए डूब गए ये होगा, जब अगर जाएंगे भी बेसिक में आश्रम में जाएंगे तो उंगली दिखाते हैं, उंगली 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 दिखाने से क्या होगा, उंगली बंदूक दिखाई पड़ती है क्या? भक्ति कराने का इतना ही पार्ट है, आते नहीं है रेगुलर कोर्स, आगे चल के आ जाएंगे। अच्छा हमारा टाइम हो रहा है।